इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी में स्टूडेंट्स हमने लास्ट वर्ड ग कर लिया, राइट? तो आज हम करेंगे उसके बाद वाला वर्ड जो है वर्ण ग। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हिंदी की प्रवेशिका बुक निकालनी है एंड ओपन योर बुक पेज नंबर 22 एंड 23। आज हम ये दोनों पेज करेंगे, ओके? तो चलो सबसे पहले हम 22 पेज नंबर देखें। तो देखो यहाँ पे है वर्ण ग। ग से यहाँ पे देखो ये घना जंगल है। सो ग से घना, ग से घना, ओके? देखो ख के साउंड क्या आती है, घ, ग, ओके? चलो अभी हमने ये पार्ट कर लिया, अभी हम नीचे वाला पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग रीड करते हैं। चित्रों को देखकर बोलो तथा आवाज पहचान कर दिए गए व्यंजन से मिलाओ तथा बिंदुओं को जोड़कर घ को पूरा करो। मतलब कि आपको सर्कल में हर बार की तरह यहाँ पे डॉट्स दिए हैं। अगर आप ये डॉट्स ज्वाइन करोगे पेंसिल से तो ये बन जाएगा वर्ण घ, ओके? एंड देन यहाँ पे कितने सारे पिक्चर्स दिए हैं जो घ से स्टार्ट होते हैं, ओके? तो आपको ऐसे मैच करना है, जो भी पिक्चर्स घ से स्टार्ट होते हैं उसको आपको मैच करना है। तो चलो सबसे पहले हम बोलते हैं सभी पिक्चर्स। तो ये है घर, घ से घर। आपको घ की साउंड याद रखनी है स्टूडेंट्स, घ। तो घ से घर, दोनों की साउंड एक हुई तो आपको इसको ज्वाइन करना है, ओके? नाउ नेक्स्ट ये है घंटा। सो घ से घंटा, घ से घंटा, दोनों की साउंड मैच करो, घंटा घ हुआ, तो इसको भी आपको ऐसे मैच करना है पेंसिल से। नाउ उसके बाद है घड़ा। सो घ से घड़ा, घ से खड़ा, तो इन दोनों में भी घ आया, तो इसको भी आपको ऐसे मैच करना है। देन नाउ उसके बाद वाला है गमला। सो घ से गमला, घ और ग मैच हुआ नहीं, तो इसको आपको मैच नहीं करना है। नाउ उसके बाद वाला है यहाँ पे घड़ी। सो घ से खड़ी, घ से खड़ी, घ और घड़ी, घ घड़ी, दोनों की साउंड मैच हो रही है, राइट? तो आपको इन दोनों को भी ऐसे मैच करना है, ओके स्टूडेंट्स? तो अच्छे से मैच कर लिया आपने, वेरी गुड। नाउ आपको पेज स्टार्ट करना है और पेज नंबर निकालना है 23, उसके बाजू वाला पेज। तो सबसे पहले हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे, तो चलो करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपके पेज में आपको ऐसे ट्रेसिंग डॉट्स दिए हैं, राइट? और ये है वर्ण घ, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है वर्ण घ, और यहाँ पे है कौन सा पिक्चर है, ये घर का। सो घ से घर, घ से घर, ओके? नाउ चलो हमारी राइटिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो सबसे पहले आपको करना है यहाँ पे घ, देन अगेन घ, और स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, ओके? नाउ अगेन घ, अगेन घ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। सो घ से घ। स्टूडेंट्स आपके प्रवेशिका में कितने सारे पिक्चर्स दिए हैं, तो हम ये राइटिंग भी करते जाएंगे और साथ ही साथ पिक्चर्स भी बोलते जाएंगे। नाउ चलो अभी ये वाला करते हैं हम। तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से घ, देन अगेन घ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। सो घ से खड़ा। नाउ अगेन घ, अगेन घ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। सो घ से घंटा। नाउ अभी हम सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे घ, अगेन
cane cow, standing line and sleeping line. So ka say ka. Now again. Cow, a cane cow, standing line, sleeping line. ये बन गया वाड़ा ग. और स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि हिंदी लैंग्वेज में ऊपर की जो स्लीपिंग लाइन है वो कंपलसरी होती है, राइट? तो आपको कंपलसरी करनी है ना. चलो ये वाला स्टार्ट करते हैं हम. और आपको ट्रेसिंग भी बिल्कुल आपको नोट्स दी है उसके ऊपर ही करनी है ना. वाड़ा ग. चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से. काउ, अगेन काउ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. सो घा से गाड़ी. ओके चलो अभी नाउ हम लास्ट लाइन मतलब कि थ्री लाइन थर्ड लाइन करेंगे. और स्टूडेंट्स आपको अच्छे से करना है. देखो आप ऐसे ऐसे करोगे या तो फिर ऐसे करोगे या तो फिर ऐसे करोगे तो ये आपका रोंग होगा. आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है. देखो कितना डरपी डरपी लग रहा है, राइट? आपको वेरी गुड चाहिए ना बुक में, तो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है और ऐसे बोलना भी है. लाइक काउ, अगेन काउ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. आपको ऐसे बोलते बोलते करना है. ओके सो ग से ग. नाउ अगेन काउ, अगेन काउ, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. सो घास से गाड़ी. नाउ लास्ट वन स्टूडेंट्स, हमें काउ से ही ऑलवेज स्टार्ट करना है. ओके चलो नाउ अगेन दूसरा काउ करेंगे हम. और फिर यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करेंगे एंड ऊपर लास्ट में हम करेंगे स्लीपिंग लाइन. सो घास से घंटा. स्टूडेंट्स आपने ये वर्क मेरे साथ किया, अभी इसके जितने भी पिक्चर्स है वो भी आपको अच्छे से लर्न कर लेने. ओके चलो नाउ अभी हमने ये वाला किया, अभी इसके नीचे का वर्क हम देखते हैं जो आपका होमवर्क है. तो चलो मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है. देखो चित्रों में दिए गए अक्षरों में घ अक्षर को ढूंढो और रंग भरो. मतलब कि देखो आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया है. किसका पिक्चर है ये? यस, हॉर्स का. वेरी गुड. तो हॉर्स में देखो कहीं कहीं जगह पे वर्ण घ लिखा है. लिखा है तो ये जहां जहां पे वर्ण घ लिखा है उस सारे पार्ट्स में आपको करना है कलर. ओके तो अच्छे से अपना वर्क करना स्टूडेंट्स. थैंक यू.